ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मैं प्रभु से यही विनती करता हूँ कि आप लोग कहीं भी रहें खुशहाल रहें। तो साथियों, जीवन में धन की सभी व्यक्ति को आवश्यकता होती है और सभी व्यक्ति यही चाहते कि हम धनवान हों और मित्रों, धनवान बनने के लिए दो ही रास्ते हैं, भाग्य के बल पर या अपने कर्मों के बल पर। यही दो उपाय हैं धनवान बनने का। लेकिन कभी कभी भाग्य भी और कर्म भी साथ छोड़ देता है, तो उस समय लोग क्या बोलते हैं, ये जिसका कोई नहीं होता उसका राम। और लोग कहते हैं कि निर्बल का बल राम। तो मित्रों, यह कब कहा जाता है, जब कोई रास्ता नहीं, धन नहीं, आदमी जब गरीबी से जूझने लगता है तब राम पर आदमी आता है। और यही उपाय पहले कर लिया जाए तो कहने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब आदमी चारों तरफ से थक जाता है, निराश होता है, तब प्रभु के शरण में आदमी जाता है। तो उस समय थोड़ा जल्दी सुनवाई नहीं होती है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में धनवान बनने के लिए, हर एक कार्य में सफलता के लिए और घर रहे पवित्र, छोटा सा उपाय दे रहा हूं। मित्रों, घर जब पवित्र रहता है तो घर में धन टिकता है, बरकत मिलता है, घर के लोग सभी सुख शांति में रहते हैं, घर में गृह कलेश लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। और धन, और जहां यह सुख समृद्धि रहती है वहां धन दौड़ते हुए आता है और फिर जाने का नाम नहीं लेता है। तो मित्रों, आज हम एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। इस पौधे को आप अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर दोनों साइड लगा दें। तो मित्रों, यह है तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे से सभी लोग परिचित हैं। बहुत से घर में जहां आंगन है वहां लगाया जाता है। मित्रों, तुलसी का पौधा ऐसा है कि इसको घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसे हवा चाहिए और धूप चाहिए और पानी चाहिए, नहीं तो यह सूख जाता है। तो घर से बाहर लगाया जाता है, अगर आंगन है खुला वहां लगाया जाता है। तो मित्रों, आप अपने मेन गेट, जो दरवाजा आपका है, उस दरवाजे के बाहर दो गमले में गेट के दोनों तरफ लगा दें शुक्रवार के दिन, और उसका सेवा करें। मित्रों, ऐसे जगह गेट के बाहर लगाएं जहां धूप भी मिले, हवा भी मिले, पानी भी मिले। और मित्रों, सेवा करते हुए प्रतिदिन संध्या के समय छोटा सा दीपक लेकर घी डालकर दीपक को जलावें प्रत्येक दिन संध्या के समय, फिर देखें चमत्कार। मित्रों, आपके घर में एकाएक
सुख समृद्धि आना चालू हो जाएगा, घर की लड़ाई झगड़ा विघ्न भी दूर हो जाता है और धन आना चालू हो जाता है। तो धनवान बनने के लिए बिल्कुल यह आसान प्रयोग है। तुलसी के पौधे से सभी लोग परिचित हैं। तो साथियों, यह एक छोटा सा उपाय आप करके देखिए। तुलसी के पौधे से एक नहीं हजारों टोटका प्रयोग है, और तुलसी के पौधे मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जहां तुलसी रहती है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। तो साथियों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।